किसी इंसान में सुंदरता है वो खूबसूरत है। गुरु रविंद्र जी महाराज कहते हैं वो आहिस्ते आहिस्ते वो भी खत्म होगी। आज सुंदर है कल कुरूप हो जाएगा। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक। आज जिसे देखने का मन करता है कल उसे देखकर घिन आएगी। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक। शक्ल ऐसी हो जाती है बुढ़ेपे में किसी न किसी वजह से, चेहरा है। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक। पर साथ में कहाँ कहे घटंत दीपं घटंत रवस शशि और नक्षत्र न गगन सूरज चंद्रमा ये सब कम हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर सूरज चंद्रमा के साथ गगन के साथ बात किसकी की है? रूप की। क्यों की है? क्योंकि रूप एक ऐसा मद है, संसार सारा संसार जिसके जिसके मोह में फंसा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। रूप भी दो प्रकार का होता है गुरु नानक पातशाह कहते हैं। एक होता है शारीरिक सुंदरता, शरीर उसका भी सुंदर होता है जिसने जिसे भगवान ने सुंदर बनाया। पर एक सुंदरता आती है नाम जपने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नाम जपते हैं वाणी कहते हैं गुरमुख बूढ़े कदे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरमुख जो है वो बुजुर्ग ही नहीं होते, वो बूढ़े ही नहीं होते। गुरमुख बुढ़े नहीं होते। प्यार बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है कि जो नाम जपते हैं वो इतने सुंदर संसार उनके दर्शन करने आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहो वाहो करे से जन सोहणे तिनको प्रजा पूजन आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनियावी सुंदरता एक दिन खत्म हो जाएगी, पर जो नाम जपने से सुंदरता आती है वो सुंदरता कभी खत्म नहीं होती बल्कि उम्र के साथ बढ़ती जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जितनी कमाई बढ़ती उतना अधिक वो आकर्षक होते जाता है, आकर्षक उसे देखने का मन करता है। बाबा नंद सिंह जी, बाबा कुंदन सिंह जी दर्शन करके मन नहीं भरता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज,